गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पांजलि खमारी, क्लास टू, यूनिवर्सिटी टीचर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू आवर फोर्थ चैप्टर, दैट इज माई फैमिली। देखो माई फैमिली, वहाँ पे एक राइम्स दिया गया है, मैं पढ़ देती हूँ। सम फैमिलीज आर बिग, सम फैमिलीज आर स्मॉल, सम फैमिलीज आर शॉर्ट, सम फैमिलीज आर टॉल, सम फैमिलीज लिव क्लोज, सम लिव फार अवे, बट दे ऑल लव ईच अदर इन ए स्पेशल वे। देखो बच्चों, कुछ परिवार छोटे होते हैं, कुछ परिवार बड़े होते हैं, कुछ परिवार शॉर्ट होते हैं और कुछ परिवार टॉल होते हैं। सम फैमिलीज लिव क्लोज, कोई कोई परिवार मिलजुल कर रहते हैं, तो कुछ परिवार एक दूसरे से दूर रहते हैं, पर फिर भी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लिव टुगेदर इन ए हाउस, सम फैमिलीज आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज, सम आर जॉइंट फैमिली। परिवार के एक सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, कुछ परिवार छोटा होता है और कुछ परिवार बड़े होते हैं, और कुछ परिवार बहुत बड़ा होता है। ए स्मॉल फैमिली हैज़ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर, इट इज़ कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। ए स्मॉल फैमिली फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली का मतलब एक ही है, जिसमें पापा मम्मी और बच्चे इकट्ठे रहते हैं, उसे हम न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली कहते हैं। ए लार्ज फैमिली हैज़ फादर, मदर, देयर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद देम। लार्ज फैमिली का मतलब है कि एक बड़ा परिवार, यहाँ पे पापा मम्मी बच्चे दादा दादी सब मिलकर रहते हैं। ए जॉइंट फैमिली हैज़ फादर, मदर, देयर चिल्ड्रेन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन लिविंग टुगेदर। जॉइंट फैमिली का मतलब है जो परिवार जिसमें पापा मम्मी बच्चे दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं। ए सिंगल पेरेंट फैमिली हैज़ आइदर द फादर और मदर हु रेज द चाइल्ड। सिंगल पेरेंट्स का सिंगल पेरेंट्स फैमिली में अथवा उस बच्चे का पापा या मम्मी होते हैं, जहाँ पे वे अपने बच्चों को परवरिश करते हैं। नीचे दिया गया है, देखो बच्चों, मैच द फैमिलीज, जॉइंट फैमिली कौन सा है, न्यूक्लियर फैमिली कौन सा है और लार्ज फैमिली कौन सा है, वो वाला हमको मैच करना है। देखो जॉइंट फैमिली, देखो जहाँ पे मम्मी पापा अंकल आंटी दादा दादी सब रहते हैं, उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली देखो, जहाँ पे मम्मी पापा और दो ठो बच्चे होते हैं। लार्ज फैमिली जहाँ पे मम्मी पापा उनके बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली डू मेनी थिंग्स टुगेदर, एक परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। दे प्ले गेम्स, वॉच टेलीविज़न एंड गो टू द पार्क और पिकनिक। वे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, वे दूरदर्शन का लाभ उठाते हैं, साथ में मिलकर पार्क और पिकनिक जाते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन कीपिंग द हाउस नीट एंड क्लीन एंड इन अदर हाउस होल्ड वर्क। और भी एक दूसरे के घर के साफ सफाई में मदद करते हैं और घर के कामों में भी सहायता करते हैं। एवरीवन हेल्प्स एंड लव्स एंड वन अनदर इन ए फैमिली। एवरीवन हेल्प्स एंड लव्स वन अनदर इन ए फैमिली। सभी एक दूसरे को मदद करते हुए और मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। दैट्स ऑल माई फैमिली। नीचे कुछ पिक्चर दिया गया है, बच्चों देखो पिक्चर में मम्मी पापा और बच्चे कहाँ कहाँ पे हैं तुम्हें लिखना है। वहाँ पे देखो पिक्चर को जू, सर्कस, पार्क, पिकनिक, होम वाला तुम्हारा होमवर्क है, तुम लिखकर रखना। देखो बच्चों, नीचे दो ठो क्वेश्चन दिया गया है, मैं पढ़कर तुम लोगों को
अनुसार समझा देती हूँ। द चिल्ड्रेन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स आर आवर कजिन। कजिन किसे कहते हैं? देखो, हमारा तुम्हारे चाचा चाची या मामा मामी के जो बच्चे होते हैं उसको कजिन कहते हैं। डू यू नो द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली आर नॉन एज योर रिलेटिव्स। हमारे परिवार के हर एक सदस्य हमारे रिश्तेदार होते हैं। बच्चों, अभी तो चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है। तुम लोगों को मैं न्यू वर्ड्स राइट 5 टाइम्स देती हूँ, तुम लोग 5-5 बार सुंदर हैंड राइटिंग में लिख कर रखना। देखो, मैं तुम लोगों को वो वाला न्यू वर्ड्स पढ़ देती हूँ। BIG बिग, SMALL स्मॉल, SHORT शॉर्ट, LARG लार्ज, FAMILY फैमिली, JOINT जॉइंट, NUCLEAR न्यूक्लियर, AUNT आंट, GRANT ग्रांड, PARENTS ग्रांड पेरेंट्स, TELEVISION टेलीविजन, PRK पार्क, PICNIC पिकनिक, CLEAN क्लीन। वो वाला तुम्हारा होमवर्क है। तुम 5-5 बार वो न्यू वर्ड्स को कॉपी में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना। जब स्कूल खुलेगा मैं देखूंगी। धन्यवाद।